नमस्कार, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपका भाई फिर से आया है वही सेम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे बंजारन की आत्मा दिखाई देती है। स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है, स्टोरी नहीं वो रियल घटना है। अगर आप लोग नहीं विश्वास करते हो तो आप लोग इस लोकेशन पे आके विजिट कर सकते हो, क्योंकि कुछ भाई लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा, लोकेशन आप लोगों जो बोलोगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहाँ से सेंड कर दूंगा, आ सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है यार यहाँ की जो घटना हुई थी। अगर कुछ भाई लोग जैसे कि नए जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं तो यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ दूर भेद चल के एक गांव, मतलब गांव नहीं था, 10-12 घर हुए थे, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा गाँव था। उसमें सिर्फ बंजारे ही लोग रुकते थे। उनमें से क्या बंजारन की एक साधु ही बारात आई थी, उसमें उस समय लुटेरे चोर बहुत चलते थे। और जब लुटेरे चोर आए तो जो बंजारन इसी तरफ को भागे, और वो जब शादी का मैटर था तो आप लोगों को पता ही यार सोना चांदी सब होता शादी में, वो यहीं पर आके उनका चोरों ने वो पीछा किया, उनके पास छीन छान किया। कुछ लोगों का कहना है कि उनका अभी भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत खजाना है, वो यहीं पर दफन है, इसीलिए वो दोनों बंजारन यहीं पर दिखाई देते हैं, कुछ लोगों का कहना है। बाकी इससे हमको भी कोई कन्फर्म नहीं हूँ कि है या नहीं खजाना। उसके बाद उन चोरों ने उनका जो बचा था वो छीना और यहीं पर गोली मार दी, और आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पिछली बार भी दिखी थी, आज पिछली बार हम 3 लोग आए थे, लेकिन आप लोगों के कहने पे आज हम फिर से आए हैं दोबारा इस लोकेशन पर, 2 ही लोग। भाई आ थोड़ा आगे चल। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा हर चीज़, कहीं पर भी कुछ दिखेगा तो पास जाने की आज कोशिश करूँगा, फिर क्यों ना हमारी जान चली जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाती रहेगी। अगर आप लोगों को लगे यार कि हम लोग रात रात को आते तो करना यार, वरना मत करना, आपको लगे कि ऐसे ही है, लेकिन वीडियो ज़रूर लाइक कर देना हाजिर के रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार हम लोग इतना रिस्क लेते हैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक लाइक के खातिर, वो भी आप लोग करते नहीं तो बहुत ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं यार। जाते रहना चारों तरफ, पीछे दिखा रहा, पीछे पीछे एक बार लगा पीछे। क्योंकि यहाँ पे खतरा बहुत है और बहुत ज्यादा रिस्क लेके आए हैं। इसमें खतरा इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोगों को बताओ यार, इसमें जानवरों का बहुत ज्यादा, कुत्तों की आवाज है। ओ भाई, भाई ये क्या है, कौन है आप लोगों के सामने इधर? ओ भाई पीछे लगा यार। ओ भाई क्या था, पहले इधर हिला, अभी तक देख सकते हो दोस्तों आप लोग, अभी भी ये डाल में नहीं लगा, अजीब सा रिएक्शन यार। मैं बढ़ती था अब आगे की ओर, जहाँ पर उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि यार अंदर एंटर होते ही आप लोगों को ने देखा कि ऐसी ऐसी शरारतें हो रही। ओ भाई भाई अभी भी हिल रहा है कुछ यार, ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है। ऐसा लगा था कि यहाँ पे कोई है,
यार आप लोगों से एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, आप लोग स्किप करके देख लेते हो सूर्य ब्लास्ट का, शुरुआत का नहीं देखते हो मुझे पता है यार, आप लोग पूरा वीडियो देखो, अगर तब लगे कि कहीं पर गलत है तो आप लोग कमेंट करा करो यार, थोड़ा देख के कमेंट करते हो भी, कुछ लोग करते हैं, सारे भाई नहीं करते हैं ऐसा काम यार, उनको और कुछ नहीं करना होता, बस यही काम करना होता है। ओ भाई ओ कौन है भाई, ओ भाई निकल यार यहाँ से यार, जल्दी भाई आप लोगों के सामने की पीछे की डाले ही नहीं, ऐसा लगता कि जो भी चीज़ें वो हैं बंजार, यहाँ पे रुकने नहीं देना चाहती, पता नहीं क्यों नहीं रुकने देना चाहती, हम लोगों को लगता कि गलत समझती हैं, लेकिन मैं आया हूँ भाई भाई जान भाई लोग उसी जगह पे पहुंच गए हैं फिर से, महसूस हुई थी, अब पता नहीं भाई क्या नीचे लगा, नीचे नीचे लगा यार, ओए मुझे लगा कोई स्नेक है यार, सांप मुझे लगा कोई, कौन है आवाज सुन, ओ भाई ओ भाई ओ भाई यार ओ भाई बे भाई ये देखो, अरे यार ये भाई कोई है यार, ए ए ए दोस्तों ए यार वही बंजारा ना यार, ए ओए ओए निकल यार निकल निकल निकल, क्योंकि दोस्तों जो भी चीज थी आप लोगों के सामने ही थी, आप लोगों को दिखवा दिया है, हाँ मैंने आप लोगों से बोला था उसके पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यार ऐसे उनके पास जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि यह खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार मैं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों से वादा कर चुका हूं, वरना आप लोग बोलोगे यार भाई शुरुआत में तो बोल देते हो कि जाते नहीं हो, अब भाई जाऊंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए भाई, आराम से जाना भाई, देख भाई क्या है इधर, भाई अजीब सा लग रहा है, मेरे पीछे कोई है, ऐसा आवाज आ रहा है इधर से यार, कोई नहीं यार इस तरफ है भाई भाई कोई नहीं है, लेकिन वो चीज़ें गई तो गई कहाँ, भाई सतर्क होके जाना यार, कांटे वाटे बहुत है,
करना, सब लोग बोलेंगे नमस्ते नहीं कुछ भी नहीं। अब वही पेड़ फिर यहाँ पे आए कौन है लगा इस तरफ यार कौन है कौन नहीं कुछ नहीं। पीछे लगा पीछे भाई पीछे। ओ भाई ये कौन है यार भाई भाई जैसे लग रहा था कि नीम के पेड़ पर कोई उतरा यार। आवाज सुन ओ भाई हाँ हल्के से आ रही हल्के से ये पता नहीं कहाँ से आ रही हमको लगता है इस तरफ से आ रही है। कौन है अजीब सा आवाज कर रहा भाई भाई उसी जगह पे ओ भाई आवाज सुन कहीं से आवाज। हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल साफ साफ हल्के से है आवाज आ रही है पता नहीं रिकॉर्ड होता होगा या नहीं लेकिन आवाज आ रही है। तो आग फंस रही है भाई पता नहीं यार देख यहाँ पे आ तू यार। ओ भाई 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 क्या होता है यार यहाँ पे। ओ भाई भाई आवाज है तेज से आने लगा इस तरफ से आ रही है भाई आ जल्दी आ जल्दी भाई भाई तेज से आवाज भाई आवाज बंद हो गया तरफ से तो आवाज आ रही थी यार। हाँ आवाज तो बंद हो गई भाई आराम से जाना यार कुछ भी हो सकता है यार। भाई भाई आवाज आ रही है भाई लगा यार बाल बाल बचे क्या है भाई भाई अबे भाई ये देखो निकल निकल भाई आ यार क्योंकि झूठी झूठी लेकिन जो भी चीजें हैं वही पर है लेकिन ये कहां से आवाज आई। हाँ वही
किधर है वो भाई? है वो देख भाई, क्या यार भाई, ये भाई निकाल यार भाई। ओए ओए रुक रुक, भाई सामने भी आ सकता है भाई आराम से। इनका यार सामना करना हमारी बस की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग यार साफ साफ आप लोगों को दिखवाया हूँ। ये आवाज़ें फिर सुन भाई। हाँ। ओ भाई किधर से आ रही है भाई? ये देख नहीं भाई, ओए अबे भाई, ये भाई अबे यार, मत भाई यार निकल यार यहाँ से। रुक तो रुक, दिखा दिखा। ओ भाई ये क्या है यार? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई दोस्तों, हम लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि रीजन तो आप लोग ही जानते हो यार, वो चीज़ें कितना ज़्यादा बाहर तक आ गई हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। हमको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पे खजाना इनका है, हमें लगता है जब तक उनका खजाना रहेगा तब तक इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब हमें कुछ और इसके बारे में जानकारी लेनी होगी यहीं पास वाले गाँव से, क्योंकि उन्हीं के गांव के पास का ही मीटर है। अगर ये बात खजाने वाली निकली तो उस खजाने को पहले निकालना होगा, उसके बाद इनकी मुक्ति हो सकती है। ऐसे मुक्ति नहीं कर पाएंगी, और इस पे जो भाई किसान लोग निकलते हैं उनका ही हमेशा नुकसान पहुंचाती रहेंगी। तो दोस्तों अगर हो सकेगा जो अभी तो हम नहीं, कल सुबह आ जाएंगे इनके गाँव, अगर हो सकेगा जो खजाने वाली बात है तो ये बिल्कुल क्लियर करूँगा, होगा तो अगली वीडियो में अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही, हम निकलते हैं घर के लिए। गुड नाइट दोस्तों, जय श्री राम।